तो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आज आप अच्छे होंगे। मैं के पी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, तस्वीर आप लोग देख सकते हो, यह है शास्त्री पार्क का चौराया। शास्त्री पार्क लेफ्ट हैंड वाला है, राइट हैंड वाला दोस्तों खजूरी पुस्ता लग जाता है यहाँ से, और एंड में जाके खजूरी खास है दोस्तों। तो आज मैं इसी को आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ दोस्तों, तेज़ी के साथ में। ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है दोस्तों। पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा ही था कि किस तरीके से गीता कॉलोनी और गांधीनगर में काम किया जा रहा है दोस्तों, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को बनाने का दोस्तों। जो रेलवे लाइन है, मेट्रो लाइन को किस तरीके से क्रॉस कर रहा है, आज हम देखेंगे। देखो, ये फ्लाईओवर आ रहा है दोस्तों सादरा से, और ये जाएगा ISBT कश्मीरी गेट के लिए दोस्तों, और वहीं से अंबाला चंडीगढ़ के लिए निकल जाएंगे दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर ये इंटरचेंज बनाया जा रहा है दोस्तों। खजूरी पुस्ता रोड पे दोस्तों तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, ठीक है। किस तरीके से यहाँ पर इस फ्लाईओवर को क्रॉस करवाएगा ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे दोस्तों। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, यहाँ तक ये फ्लोर वर्क कर दिया जा चुका है। देख सकते हो आप लोग तस्वीरें कि किस तरीके से यहाँ पर काम किया जा रहा है दोस्तों। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए के पी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना। नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस देखो के पी संत के चैनल पर दोस्तों। देखो, पूरे में ही फ्लोर वर्क कर दिया जा चुका है दोस्तों। और जो इंटरचेंज बनाया जा रहा है दोस्तों, ये देखो राइट हैंड से, ये देखो लेफ्ट हैंड से आ रहा है, और ये देखो ऊपर। और इस पर आप लोगों को तो बता दूं, साउंड प्रूफ बैरियर भी लगा दिए ऊपर की साइड में, देख सकते हो। और इस पर भी अभी साउंड प्रूफ बैरियर लगाए जाएंगे ताकि गाड़ियों का साउंड वो बहुत बहुत कम हो जाए, जो नीचे वालों को सुनाई दे दोस्तों। 6 लेन 3 लेन नीचे हैं, 3 लेन ऊपर हैं दोस्तों, यानी कि ये 12 लेन का एक्सप्रेसवे होने वाला है दोस्तों। 210 किलोमीटर की दूरी है दोस्तों। दिल्ली के अक्षरधाम टेम्पल से स्टार्ट होता है दोस्तों, ये देहरादून में जाके एंड हो जाता है दोस्तों, जिसमें से इसमें 12 किलोमीटर का तो पार्ट दोस्तों राजाजी नेशनल पार्क से होकर गुजरता है दोस्तों, जो कि उसमें बहुत ही वन्य जीव रहते हैं दोस्तों, खतरनाक जीव रहते हैं। तो तस्वीरें आप लोग देख सकते हो। आगे आप लोगों को खजूरी खास देखने के लिए मिलेगा, तो वहीं चल रहे हैं दोस्तों। और साइडों में देखो ड्रेनेज बनाने का भी काम किया जा रहा है, देख सकते हो। ये ड्रेनेज बनाया जा रहा है, ऊपर का सारा फ्लोर वर्क हो चुका है दोस्तों, बस फिनिशिंग का काम किया जा रहा है अभी। इस पर बस ब्लैक टॉप किया जाएगा फिनिशिंग कर देने के बाद में, फिर उसके बाद में 2024 दिसंबर के लास्ट में दोस्तों ये आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। देखो यहाँ से हाई टेंशन लाइन गुजर रही है, तो इस वजह से ये बारे पियर बचे हुए हैं। ये पियर अभी बनाया जा रहा है, पियर बनने के बाद में दोस्तों इस पर पियर कैप लगा दिया जाएगा, फिर इसके बाद में गाटर लॉन्चिंग कर दिया जाएगा, तो ये एंड में किया जाएगा दोस्तों। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो कि क्या ही नज़ारे हैं यहाँ के। और ऐसे ही वीडियोज़ देखो के पी संत के चैनल पर दोस्तों। के पी संत लाता रहता है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है दोस्तों, तो इन्जॉय करो। मिलता हूँ आप सभी को लास्ट में दोस्तों। एक्सप्रेसवे पर देख सकते हो दोस्तों, ये साइडों से ड्रेनेज बनाने का काम किया जा रहा है। जब ड्रेनेज बन जाएगा दोस्तों तो उसके बाद में ये रोड बनाई जाएगी दोस्तों, और फिर 3 लेन चमकेंगे आप लोगों, 3 लेन ऊपर पर चमकेंगे एलिवेटेड पे। और ये है वजीराबाद एरिया दोस्तों, यहाँ से वजीराबाद के लिए चले जाते हैं तो यही नज़ारे हैं, देख सकते हो। क्योंकि मेरे लेफ्ट हैंड पर जैसे ही हम मुड़ेंगे तो आगे आप लोगों को सिग्नेचर ब्रिज देखने के लिए मिलेगा, जो कि दिल्ली में आता है दोस्तों, भजनपुरा साइड में। तो देखो और आप लोग एंजॉय करो ऐसे ही वीडियोस के पी संत के चैनल पर दोस्तों। के पी संत लाता रहता है, आप लोगों की इन्फॉर्मेशन देता रहता है। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए के पी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोज़ देखो के पी संत के चैनल पर दोस्तों। नज़ारे देखो क्या ही नज़ारे हैं, अभी जब बन जाएगा तब आप नज़ारे देखना यहाँ के क्या ही खूब होते हैं। अब खजूरी खास पर दोस्तों देखो ये इंटरचेंज बनाया जा रहा है, इसी वजह से ये लेफ्ट हैंड पे आप लोगों को ये अलग से पियर नज़र आ रहे होंगे दोस्तों, क्योंकि ये चला जाएगा दोस्तों। आप लोगों को बता दो सिग्नेचर ब्रिज के लिए ये इंटरचेंज, और ये आप लोगों को क्रॉस करने के बाद में दोस्तों ISBT जा सकते हैं, और इधर की साइड में जा सकते हैं दोस्तों चंडीगढ़, अंबाला, रोहिणी, ये सब में इधर ही जा सकते हो दोस्तों। तो इसी वजह से ये इंटरचेंज को बनाया गया है खजूरी खास पे दोस्तों। और पिंक लाइन मेट्रो भी बनाई जा रही है, तो उसका भी अपडेट देख लेना इसी में ही थोड़ा सा। और आप लोगों को दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का भी देखने के लिए मिलेगा व्यू दोस्तों। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो किस तरीके से एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा है, और काफ़ी गगनचुम्बी ये पिलर होने वाले हैं दोस्तों, हैं हाइट इनकी गगनचुम्बी है एकदम। भाई साहब देखोगे ना बायोडेक्ट को तो आपकी आंख फटी की फटी रह जाएगी दोस्तों, इतनी ऊंचाई पर ये बायोडेक्ट है। क्योंकि पहला तो ये फ्लाईओवर को क्रॉस करता है, दूसरा ये पिंक लाइन मेट्रो को भी क्रॉस कर रहा है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, आप लोगों को बता दूं खजूरी खास के अंदर। तो तस्वीरें आप लोग देख सकते हो क्या ही नज़ारा है यहाँ का। देखो आप लोग नीचे ड्रेनेज भी बनाया जाएगा और लेफ्ट हैंड का देखो ये है इंटरचेंज का हिस्सा, जो कि जब हम अक्षरधाम से आते हैं या दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से आते हैं, हमें अगर हमें यहाँ उतरना है दोस्तों, दिल्ली चंडीगढ़ रोहिणी इधर जाना है तो हम इसी इंटरचेंज का सहारा ले लेंगे दोस्तों, लेफ़्ट वाले का। और राइट वाला तो बिल्कुल सीधा देहरादून जाएगा दोस्तों। अब नज़ारे यहाँ के देख लो आप लोग, क्या ही खूब नज़ारे हैं दोस्तों। और भाई साहब कितने गगनचुम्बी ये पिलरों के ऊपर, और बायोडेक्ट को भाई साहब कनेक्ट करना भाई साहब बहुत ही चैलेंजिंग भरा काम होता है। और देख लो कि हमारा इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है दोस्तों। इसी से आप लगा सकते हो अनुमान कि हमारे इंडिया के इंजीनियर्स का भी भाई साहब सलूट है दिल से, जो कि इस काम को नामुमकिन को मुमकिन करने पे लगे हुए हैं दोस्तों, हमारे देश को बढ़ा रहे हैं। और ऐसे ही वीडियोस आप लोगों के बीच में KP संत लाता रहेगा, क्योंकि मैं अपने इंडिया का ही हिस्सा हूं। और दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाता रहूँगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे इंडिया भारत में किस तरीके से किस लेवल पर किया जा रहा है इस टाइम पर दोस्तों। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जहाँ भी आप कर सकते हो। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए KP संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियो देखो दोस्तों KP संत के चैनल पर, जो कि KP संत आप लोगों के बीच में लाता रहता है और आप लोगों को पर डे दिखाता रहता है, इसी तरीके से इंटरटेन करता रहेगा दोस्तों। बस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, वीडियो को लाइक करो ज़्यादा से ज़्यादा, और हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताओ दोस्तों। देखो आप लोग खजूरी खास के ये नज़ारे हैं यहाँ पे। और आप लोगों को बता दूँ, जो स्टील का देखो ये स्टील का गर्डर है दोस्तों, वो यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा इस जगह, इस फ्लाईओवर और बगल में ही है पिंक लाइन मेट्रो भी, तो इनको दोनों को कनेक्ट करेगा दोस्तों। स्पेस बहुत ज़्यादा है जब ये कनेक्ट किया जाएगा, जब ये गाटर रखा जाएगा दोस्तों, ये लोहे का गाटर, तो तब आप लोगों को नज़ारा दिखाएंगे, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही वीडियोस एंजॉय करो KP संत के चैनल पर दोस्तों। देखो रैंप बनाने का काम किया जा रहा है, शटरिंग वो लगी हुई है दोस्तों, बायोडेक्ट तो ये रैंप का बन के कम्प्लीट हो गया दोस्तों, फ्लोर वर्क भी हो गया, बस यही बचा हुआ है इसका रैंप का हिस्सा, वो भी जल्दी बन जाएगा दोस्तों। एक ये पैराफिट बॉल बची हुई है करने के लिए रैंप की दोस्तों, और बाकी तो ये कम्प्लीट सही हो चुका है दोस्तों। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो दोस्तों। और आप लोग बताना कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो दोस्तों, वीडियो को शेयर करो और ऐसे ही वीडियो देखते रहो। आप सभी का धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस।